नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अच्छा दिन जा रहा होगा, सुबह से लेक्चर देख रहे होंगे, करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, सी सेट क्लास आपने देख ली होगी। अब मेरे साथ आप बारी है इंडिया एयरबुक की। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं 11:30 पर। समय है 11:30 का, समय है अपने इंडिया एयरबुक सेशन का। दोस्तों ज़रूरी अनाउंसमेंट करने हैं दो तीन मुझे। एक तो आपकी कल क्लास नहीं हो पाई, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। एयरबुक की कल तकनीकी समस्या को चल रही थी सुबह यहाँ पर। कल से ईयरबुक का टाइम मैं थोड़ा स्लाइटली चेंज करूंगा दोस्तों आपके लिए। इस 11 में से एक हटा देंगे हम लोग, तो 1:30 कल से टाइम करेंगे आपका। 1:30 PM हम टाइम करेंगे कल से, 1:30 PM, क्योंकि कल आप जानते हैं कल से 11 बजे शुरू हो रहा है मेरा। क्या हो रहा है शुरू दोस्तों? न्यूज़ एनालिसिस शो शुरू हो रहा है आपके साथ कल से विद आशीर्वाद सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर ऑल योर करंट अफेयर्स नीड्स। कल से हम चालू कर रहे हैं इसको अनअकैडमी स्पेशल पर। अनअकैडमी नॉट प्लस कोर्स, नॉट पेड कोर्स, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। आपको हम शुरू से बोलते थे कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए 20,000 फ्री लाइव क्लासेस। इन 20,000 लाइव क्लासेस में आशीर्वाद सर भी अपनी दो चार क्लास जोड़ देंगे, जिसे हमने नाम दिया है आपके लिए करंट अफेयर्स शो का। जी हाँ, रेगुलर करंट अफेयर्स शो लॉन्च हो रहा है आपका फ्री क्लासेस में अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पर। आइए ज्वाइन कीजिए मुझे, और मेरा दावा है, मेरा दावा मानता हूँ, मैं जानता हूँ, दिल से करता हूँ दावा, आपको करंट अफेयर्स के लिए और कोई सोर्स नहीं देखना होगा और कोई समस्या नहीं होगी। सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन और फिर और करंट अफेयर्स नीड्स, जो भी आवश्यकता आपको है, कंटेंट चाहिए, PDF चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ सिंगल पोर्टल पर सिंगल जगह मिलेगा आपको। तो आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए मुझे कल 11 बजे। अभी कुछ नहीं बनाए वहाँ पर ही मत जाइएगा, अभी ढूंढ लग जाएं आप। कल सुबह जब 9 बजे लेक्चर होगा मेरा, आपको बताऊंगा एटोल सेशन में कैसे जुड़ना है सेशन से। कल 11 बजे से मिलेंगे आपके साथ। 20 मई खास दिन शुरू करेंगे आपके साथ दिन में 11 बजे स्पेशल सेशन आपका न्यूज़ एनालिसिस विथ मी, यानी करंट अफेयर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन। जी हाँ, हमारा OTP, हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन। दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ, शुरू करते हैं क्या है ईयरबुक में आज का टॉपिक। तो ईयरबुक में दोस्तों आज का टॉपिक है बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर। तो क्या क्या मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार हो, क्या क्या स्कीमें चल रही हैं हमारे यहाँ पर बाल कल्याण की, उस पर एक क्विक स्कैन करेंगे आपके साथ दोस्तों हम लोग। तो बात करें बाल कल्याण या चाइल्ड वेलफेयर पर, एक मिनट रुकिएगा, मार्कर का रंग चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। बात करनी है चाइल्ड वेलफेयर, बाल कल्याण पर। ओके, बाल कल्याण जरूरी भी है, जानते हैं क्वेश्चन नहीं है। बात करूंगा सीधे स्कीम पर आपके साथ दोस्तों, मैं सीधे स्कीम पे बात करेंगे। मुझसे पूछ रहे हैं सर 2020 का पर्सपेक्टिव हो करंट अफेयर्स में। जी नहीं, जो डेली चलेगा। अब 2020 में एग्जाम में आएगा वो 21 में आएगा, 22 में आएगा, 25 में आएगा, कब आएगा वीकांड से, लेकिन जो डेली खबर होंगी उनका एनालिसिस। अब उसको 20 का पर्सपेक्टिव मान लीजिए आप, 21 का मान लीजिए, 21-20 के मेंस का मान लीजिए, हर एग्जाम में काम आएगा आपको। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने कहा, हर एग्जाम में ही काम आने वाला है आपको, जो हम पढ़ेंगे कल से 11 बजे से दोस्तों। आइए बात करते हैं चाइल्ड वेलफेयर पर। तो हमारे पास चर्चा करने के लिए क्या है आपके साथ, चलिए तो समझेंगे हम लोग स्कीम में क्या है हमारे पास चर्चा करने के लिए। पहली टॉपिक लेते हम लोग भारतीय पोषण कृषि कोष। समझेंगे हेडिंग बनाएंगे रहा भारतीय पोषण कृषि कोष। मैं हट जाता हूँ बीच में से आपसे, आप आराम से देखिए स्लाइड को, पूरा देखिए समझिए। भारतीय पोषण कृषि कोष का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया किसने दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मंत्रालय का नाम बार बार आएगा तो याद रखिएगा, एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर मंत्रालय का नाम है महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बार बार नाम आएगा क्योंकि ये बाल कल्याण हुआ, महिला कल्याण हुआ, ये जुड़ा हुआ इसी मंत्रालय के साथ। WCD शॉर्ट में बोलते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इस मंत्रालय द्वारा दोस्तों, इस मंत्रालय द्वारा ये पोषण कृषि कोष लॉन्च किया गया है। किसके साथ मिलकर? जी हाँ, कौन है साथ में? तो साथ में इसमें है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। जी हाँ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ में है इसके। इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है ये पोषण कृषि कोष। ये करेगा क्या दोस्तों? इसका नाम है BPKK, भारतीय पोषण कृषि कोष। BPKK की बात कर रहे हैं हम लोग। BPKK क्या करने वाला है? भारत में 128 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होगा वहां पर पोषण क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी देगा। समझिए दोस्तों, भारतीय पोषण कृषि कोष BPKK की बात करें हम लोग, BPK2 की बात करें तो BPK2 क्या है ये? यहाँ पर टेक्निकल टीम जाएगी फील्ड में। एग्जाम्पल समझिएगा, भारत में गंगा का मैदान, यूपी बिहार थोड़ा लगा हुआ इलाका, यहाँ पर डाइट आपकी जो है, आप जो भोजन करते हैं, यहाँ जो कृषि होती है काफ़ी कुछ कॉमन है। आप जाइए कावेरी डेल्टा पर,
डेल्टा इलाकों में कृष्णा गोदावरी कावरी, वहाँ पर एक फूड चेन मिलेगी आपको, एक प्रकार का फूड स्टॉक मिलेगा। यानी देश को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक जोन बांटते हैं, जहाँ क्लाइमेट जैसा वैसी कृषि होती है। तो इन्होंने क्या किया, इस कोष में 128 जोन बांटे हैं, 128 एरिया में जाएंगे टीम इनकी, अलग अलग एरिया में जाएंगे जहाँ फूड हैबिट एक सी हैं, जहाँ एग्रीकल्चर और फूड हैबिट एक सी हैं। उनको सैम्पल वाइज इंडिया में बात कर लें हम लोग, इंडिया को बांटा उन्होंने एक जोन, दो जोन, तीन जोन, चार जोन, इस जोन में जहाँ हैबिट एक सी हैं बांट लिया। टीम जाएंगी, रिसर्च करेंगी, लोगों से बात करेंगी, क्या खाते हैं, क्या कायदा होता है कृषि में, और वहाँ पर स्टोरेज में वो क्या क्या रखना पसंद करते हैं, इसके आधार पर उन्हें पोषण में क्या कमियाँ हैं, उन्हें एडिशनल पोषण और क्या दिया जाए, एडिशनल न्यूट्रिशन और क्या दिया जाए। मान लीजिए पश्चिम बंगाल में जो चावल उत्पादन होता है, वेस्ट बंगाल में चावल बनता है, वहाँ पर चावल में जिंक की कमी है, तो कि वहाँ के बच्चों को जिंक देना एक्स्ट्रा ज़रूरी है, तो ये रिकमेंडेशन आएगी यहाँ पर पोषण कृषि कोष में कि वेस्ट बंगाल के लिए चावल जिंक वाला चावल दिया जाए या जिंक अदर न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर आप एक न्यूट्रिशन एटलस तैयार करेंगे देश का विद द हेल्प ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसमें एक संस्था और है दोस्तों, आइए स्विच कर रहा हूँ मैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में आप लोग। एक संस्था और है इसमें, हार्वर्ड चार्ल्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, एक संस्थान और है हमारे यहाँ पर। ये अपने रिसर्च सेंटर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स अपने सेंटर के जरिए पूरा नोटिफिकेशन करेंगे भैया क्या क्या आवश्यकता किस एरिया को है। फिर सुन लीजिए, हार्वर्ड चार्ल्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन डॉक्यूमेंटेड करेंगे, पूरा एवेल्यूएट करेंगे भैया किस एरिया को कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है, किन एरिया को कौन कौन सी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और क्या क्या एग्रो फूड सिस्टम वहाँ का होना चाहिए, ये वो बता के बताएंगे हमको यहाँ पर। अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, हम हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक पोषण की सही मात्रा लेके पहुंच पाएंगे, ये काम करने वाले दोस्तों। लास्ट पॉइंट सुन लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे लोग 12 राज्यों का चयन कर रहे हैं, 12 राज्यों का स्टेट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्यों, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अब दक्कन है, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका मान लीजिए तीन है, तो मैं लगता है गोवा की आवश्यकता नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक का अध्ययन करना काफ़ी रहेगा, या तेलंगाना आंध्रा का है तो एक राज्य मान लें इनको हम लोग, एक राज्य मान के स्टडी करें इनका हम लोग। यानी कुल मिलाकर क्योंकि डाइट हैबिट एक सी है, वहाँ पर कृषि एक सी है, तो बेहतर होगा एक साथ अध्ययन करें हम लोग। तो 12 राज्यों का अध्ययन करेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी का, वहाँ की सोसाइटी का, वहाँ की इकोनॉमी का, वहाँ की कल्चर का, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो एक समान से हों, एक प्रकार चीज़ें हों, वहाँ पर उनका स्टडी करेंगे और बताएंगे उनकी रिक्वायरमेंट किस प्रकार की है। तो फूड एटलस एक जारी करना चाहते हैं हम लोग देश में, न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग द फूड एटलस हम जारी करना चाहते हैं। वहाँ व्यवहार क्या है लोगों का, वहाँ एक्सपीरियंस बात करेंगे लोगों से और उनका सामाजिक व्यवहार जानेंगे, आखिर वो वेज खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, वेज में क्या खाते हैं वो लोग, उनका सोशल प्रैक्टिस क्या है, त्यौहार के टाइम खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं, एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, डिटेल स्टडी करने वाले हैं लोगों के खान पान व्यवहार पर। इसके लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, हार्वर्ड चार्ल्स स्कूल और मंत्रालय मिलकर काम करेंगे भारतीय पोषण कृषि कोष के अंतर्गत। क्लियर हमको यहाँ पर, BPKK याद रखिएगा, संस्थाएं कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई, आपको काम करना है और ये क्या कर रहे हैं वो आपको याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आ गई दोस्तों। BPKK तीन संस्थाएं इन्वॉल्व हैं, पहली बात तो क्या कर रहे हैं और अल्टीमेट गोल क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना, नाम से स्पष्ट है पोषण कृषि, तो यहाँ पर पोषण को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत। उम्मीद कर रहा हूँ बातें आपको स्पष्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर चल रहा है हमारा मामला यहाँ पर, ठीक चल रहा है, ठीक है समझ में आ जाएगा, तो दोबारा देख लेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान काम है। कुल मिलाकर आप क्या खाते हो यार, दिल्ली में रहते हो, क्या खाते हो आप, दाल चावल खाते हो, अंडा खाते हो, गेहूं खाते हो, चावल खाते हो, या फिर दालें सब्जियां ये खाते हो, तो कुछ नहीं भी खाते हो आप, जो नहीं खाते उसकी कमी होगी बॉडी में आपके, दिल्ली के लोगों में या यूपी के लोगों में, तो क्या कमियां हैं, लोगों से बात करना पड़ेगा ना, क्या कमियां उनके शरीर के अंदर हैं, वो क्यों नहीं खाते हैं ये चीज़ें, आखिर मिलती नहीं है, या सामाजिक कारण है, या धार्मिक कारण है, या शिक्षा नहीं है उनके पास, उनको अज्ञानता है, तो डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा और उसके आधार पर सरकार पोषण योजना के तहत लोगों तक अनाज पहुंचाएगी। बहुत सामान्य सी चीज़ है, बहुत सामान्य से काम करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ, हेड नाएंगे, सेकंड हेडिंग हमारी है ICDS योजना। दोस्तों ICDS की बात करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा मैं आपके साथ। ICDS योजना, कंचन PDF नहीं देता दोस्त, मैं PDF नहीं देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट देने का मौका देता हूँ आपको, मेरी जिम्मेदारी नहीं है PDF देना यार, एक्चुअली मैं देखता फिर हूँ कि PDF पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फिर बस 10 बच्चे फिर मांगते हैं सर PDF दीजिए, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं थोड़ा सा सीमित रहना चाहता हूँ उस बारे में, मैं PDF देना अवॉइड करने लगा हूँ, क्योंकि एक बार दे दो फिर दोबारा 10 बच्चा कोई देखेगा, फिर मैसेज आता है ग्रुप पर सर PDF नहीं मिला है, मैं देखता रहूँ एक बार देने के बाद PDF मिला कि नहीं मिला, तो उससे बेहतर ना दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूँ मैं आप लोगों को, खुद स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलाकर PDF बन जाएगा आराम से आपका। ICDS की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा, एकीकृत बाल विकास सेवा दोस्तों चर्चा करते हैं आपके साथ, क्या है ये एकीकृत बाल विकास सेवा की चर्चा कर लें, क्या है दोस्तों ये बड़ा कार्यक्रम है देश में, सुन लीजिए एक बार इसके बारे में।
ICDS एकीकृत कब शुरू किया था हम लोगों ने इसको 1975 में शुरू किया गया था दोस्तों इसको हमने यहाँ पर अल्टीमेट गोल क्या है इसका समझिएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इंप्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर सिक्स छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना उनके स्वास्थ्य को बेहतर करना इंप्रूविंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर सिक्स क्या करना है इसके लिए स्वास्थ्य देना है इसके लिए पोषण देना है पोषण शिक्षा देनी है स्वास्थ्य सेवाएं देनी है उनको सप्लीमेंट्री फूड अनाज बाड़ी बांटना है और प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को 6 वर्ष से कम है तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए हैं अभी उन्हें प्री स्कूल एजुकेशन देनी है स्कूल में जाने से पूर्व की शिक्षा देनी है स्कूल पूर्व शिक्षा देनी है यानी क्या देना है दोस्तों समझ आना चाहिए हेल्थ न्यूट्रिशन और शिक्षा तीन चीजों पर ध्यान है यहाँ पर पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत वाली बात है पढ़ेगा पढ़ना जरूरी है खिलाना जरूरी है और स्वास्थ्य जरूरी है तीनों चीज़ ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पर याद रखिएगा अल्टीमेट गोल है यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम देश का ये 0-6 ईयर्स के बच्चे जुड़े हैं गर्भवती महिलाएं स्तनपान महिलाएं फीडिंग मदर्स जुड़ी हुई इस कार्यक्रम के साथ आइए इस कार्यक्रम में और क्या क्या होता है दोस्तों समझिएगा इस कार्यक्रम का फायदा किस किससे मिलता है बताया मैंने आपको इसका कार्यक्रम का ICDS का फायदा कैसे मिलता है सामान्य भाषा में आप लोग कहते हैं अपने कार्यक्रम को आंगनवाड़ी कार्यक्रम आपने आसपास देखा होगा सुना होगा इसके बारे में आंगनवाड़ी जरूर देखे होंगे तो आंगनवाड़ी का फायदा कैसे कैसे मिलता है गर्भवती महिलाओं को मिलता है शिशु का पालन करने वाली महिलाएं जो माताएं हैं नवजात बच्चों की माताएं उनको मिलता है 3 साल से कम आयु के बच्चों को मिलता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलता है और जो युवतियां हैं जो किशोरियां हैं जो किशोर बच्चे बच्चियां हैं उनको मिलता है इसका फायदा इस योजना का फायदा दोस्तों ठीक है यहाँ हेल्थ चेकअप कर रहे हैं उनको हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं वो अलग बताऊंगा आपको मैं तो लाभार्थी कौन है इस योजना का बेनिफिशियरी कौन है इस योजना के तो लाभार्थी आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किन किन को फायदा मिलता है ICDS योजना का ठीक है मंत्रालय कौन सा है WCD यानी कि महिला बाल विकास मंत्रालय चलाता है ICDS देश में आंगनवाड़ी स्कीम चलाता है मंत्रालय दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ आइए क्या क्या सेवाएं देते हैं क्या क्या सेवाएं मिलती हैं आंगनवाड़ी केंद्र से आप कभी आंगनवाड़ी केंद्र गए हैं या देखा है बाहर से आपने कभी आंगनवाड़ी केंद्र या किसी ने रन किया देखा हो आंगनवाड़ी आप आंगनवाड़ी केंद्र जाएंगे उसकी बाहर आमतौर पर गांव की बात में कर रहा हूँ बाहर जाएंगे दीवार पे पीले रंग का एक दीवार पुती होती है उस पर पेंट से लिखा होता है लाल और ब्लैक कलर के पेंट से लिखा होता है नियम है सरकार के प्रोटोकॉल के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के बाहर येलो रंग की एक पट्टिका लगाई जाएगी उस पर ब्लैक कलर से लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा जो वो सेवाएं आपको देता है और सेवाएं क्या क्या देता है वो सुन लीजिए फटाफट यहाँ पर सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको ICDS सेंटर वाशवासा बताने वाले हैं आपको सुनिए आराम से अभिषेक द्विवेदी सर स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं अभिषेक दोबारा देख लेना दोस्त वीडियो सबका समझ आ जाएगा और 20 बार लिखने समझ में नहीं आएगा मैंने एक बार पढ़ लिया आपका मैसेज मैं आपको समझा चुका हूँ ठीक है अभिषेक दोस्त एक काम कर दोबारा देख लेना वीडियो आ जाएगा समझ में मुश्किल काम बिल्कुल नहीं कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको यहाँ पर इकोनॉमी का कोई बहुत कठिन काम नहीं बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें आपने आसपास देखी होंगी आप निकलते हैं आंगनवाड़ी बिल्डिंग के सामने से कई बार आपने देखा होगा आंगनवाड़ी बिल्डिंग को क्या काम होते हैं यहाँ पर ठीक है दोस्तों एक बार सुन लेते हैं आपके साथ ठीक है हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग सर्विस देते हैं आपको यहाँ पर सर्विस क्या क्या मिलती है आंगनवाड़ी केंद्रों से आपके स्क्रीन पर देख लेते हैं स्विच करके देखिएगा पहली बात हम बात कर रहे हैं हेल्थ चेकअप किसका शिशुओं का हेल्थ चेकअप होता है गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप होता है यानी यहाँ पर हेल्थ चेकअप हो रहा है दोस्तों गर्भवती महिला का भी और शिशु जो पैदा हुआ है नवजात बच्चा है उसका हेल्थ चेकअप होता है पहली सेवा हो गई हेल्थ चेकअप दूसरा टीकाकरण इम्यूनाइजेशन छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है टीके लगते हैं टीकाकरण होता है डॉक्टर रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर कैंप लगते हैं आंगनवाड़ी के साथ और टीका लगाया जाता है बच्चों को ग्रोथ प्रमोशन एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग बच्चों की उनका वजन देखा जाता है बच्चों का छोटे बच्चों का वजन में कमी है तो पोषण दिया जाता है उनको सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं ब्रेड दलिया अनाज आदि बांटा जाता है कभी कुक्ड कभी अनकुक्ड फूड आमतौर पर अनकुक्ड गैर पका हुआ खाना दिया जाता है बच्चों को यहाँ पर जिससे उनके माँ बाप पका खिला सकें उनको तो सप्लीमेंट्री फीडिंग बच्चों के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाती है आमतौर पर यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए दी जाती है फीडिंग यहाँ पर सप्लीमेंट्री फीडिंग उनका वजन देखते रहते हैं उनमें कमी ना हो पोषण की देखा जाता है रेफरल सर्विसेज कोई समस्या है बीमारी है रेफरल सर्विस देनी है आपको कहाँ डॉक्टर के पास जाएँ कैसे जाएँ किससे मिलें कौन से हेल्थ क्लिनिक में जाएँ तो रेफरल सर्विस मिलती है आपको यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन माताओं को जो नवजात बच्चों की माताएं हैं उन्हें बताया जाता है कि भैया छोटे बच्चों कैसे पाला जाए इनका केयर कैसे किया जाए अर्ली चाइल्डहुड केयर बच्चों की देखभाल की जाती है यहाँ पर और साथ ही साथ प्री स्कूल एजुकेशन तो प्री स्कूल एजुकेशन भी देते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हम शिक्षा भी देते हैं यहाँ पर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं इसके अलावा जो माताएँ हैं
जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करना कि भैया पोषण क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या क्या चीज़ आवश्यक होती हैं, क्या आप खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे, इसके बारे में उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन की एजुकेशन दी जाती है। तो ये 6 बेसिक काम याद रखिएगा, ये आंगनवाड़ी को दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र कह लीजिए, ICDS योजना कह लीजिए, ये 6 काम तो उनको करने ही हैं। मेरी बातें समझ आ रही हैं दोस्तों आपको, उम्मीद कर रहा हूँ बातें समझ पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये 6 काम तो उनको करने ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, ICDS अच्छी बात दोस्तों। तो ICDS के बेसिक से 6 काम तो करने ही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने इनका विस्तार किया है। अब आइए मेरी बात पर रहा, तो 6 काम क्लियर हो गए हमको यहाँ पर, तो उम्मीद कर रहा हूँ 6 काम अगर समझ आए होंगे। नोट स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप। 6 काम कौन कौन से बताए मैंने आपको यहाँ पर, हेल्थ चेकअप, टीकाकरण, सप्लीमेंट्री फीडिंग यानी भोजन बांटना, रेफरल सर्विस देना, बच्चों की शिक्षा और देखभाल, और माताओं को पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा देना, उनको जागरूक करना, अवेयरनेस करना। ये 6 काम करता है हमारा, कंपोनेंट है ये 6 आपके, किसके, आंगनवाड़ी या ICDS कार्यक्रम के। यहाँ तो मुश्किल नहीं होंगी दोस्तों। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ पर हमारे काम का कुछ और इसके बाद ये छोड़ दीजिए। अब आइए जो अपडेट है इस पर हमारे पास, साल अपडेट जो हुआ है वो भी जोड़ दूँ मैं आपके लिए। अपडेट पर आ जाऊँ एक बार आपके साथ, अपडेट में क्या है दोस्तों, ओके सुनिएगा क्या किया है कैबिनेट ने, फैसला किया है भैया, 2-3 फैसले किए हैं। पहली बात तो क्या है कि यार जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं हमारे यहाँ पर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स बोलते हैं इनको हम लोग, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो कर्मचारी हैं, जो उनके सहयोगी हैं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के, उनके इंसेंटिव बढ़ाए जाएँ, उनके इंसेंटिव बढ़ाए जाएँ, उन्हें ज़्यादा सहायता दी जाए, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए। ठीक बात है, इससे लगभग 27 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी हमारे प्रभावित होंगे दोस्तों। 30 सेकंड समय दीजिएगा, ब्रेक ले रहा हूँ मैं, आवश्यक है। ओके दोस्तों सॉरी, कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। मैं बात कर रहा था क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं आपकी, तो आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है, इनके इंसेंटिव बढ़ाए गए हैं। कितने बढ़ गए हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर। पुराना जो था यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मचारी को 3,000 मिलते थे, अब 4,500 मिलेंगे। जो उनके मिनी AWC हैं, छोटे आंगनवाड़ी केंद्र कर्मचारी हैं, एक होता है आंगनवाड़ी केंद्र, होता है मिनी आंगनवाड़ी केंद्र, जो जनसंख्या कम होती है, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उनके कर्मचारियों को 2,500 से बढ़कर अब हो गया 3,500। और जो हेल्पर हैं उनके लिए हो गई यहाँ पर बढ़कर लगभग 2,250 रुपये, ऑलमोस्ट 50% हाइक किया है सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के इंसेंटिव में, उनकी सहायता में। अच्छी बात है, सरकार द्वारा अच्छा प्रयास किया गया है, 50% हाइक किया था सरकार ने लास्ट ईयर, ये पिछले साल की बात है दोस्तों, लास्ट ईयर 50% हाइक किया था हमने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सैलरी में, उनके इंसेंटिव्स में। तो आंगनवाड़ी वर्कर को फायदा मिलेगा इससे, कर्मचारी को फायदा मिलेगा, 50% ज़्यादा उनको पर मंथ मिलेगा, पर मंथ है दोस्तों, ठीक है, पर मंथ है ये जिनको दिया जाए। क्लियर है मेरी बातें यहाँ तक, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातें ठीक चल रही हैं हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा एक बात तो सुन लीजिए, आंगनवाड़ी सेवाएं क्या क्या सेवाएं देते हैं आंगनवाड़ी वाले आपको यहाँ पर, तो ICDS में अब क्या क्या आ गया है बताया आपको, 6 योजना चल रही हैं ऑलरेडी यहाँ पर। किशोरी योजना जो बच्चे एडोलसेंट गर्ल्स के लिए है, राष्ट्रीय शिशु क्रैच स्कीम बोलते हैं हम लोग, क्रैच स्कीम बच्चों, छोटे बच्चों का अनुपालन करने के लिए, और अब पोषण अभियान भी जोड़ दिया गया, याद होगा पोषण अभियान चल रहा है देश के अंदर जिसको इंप्लीमेंट करता है हमारा ICDS। तो ICDS स्कीम में क्या क्या आता है याद रखिएगा, ICDS में सब सारे काम आते हैं, ICDS में याद रखिए 5 प्रोग्राम किसके अंतर्गत हैं, ये ICDS के अंतर्गत आते हैं, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आंगनवाड़ी केंद्र में 5 काम आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, ठीक है, तो 5 योजनाएँ ये करनी होती हैं। चूँकि लास्ट ईयर हमने यहाँ पर इनके लिए पोषण अभियान को बढ़ाया था, पोषण अभियान बढ़ने से इनका काम बढ़ गया है काफ़ी बड़े स्केल पर, तो ऐसे में इनकी सैलरी इंसेंटिव बढ़ा दिए गए हैं, 50% इजाफा किया गया इनके इंसेंटिव्स में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ काम की है याद रखिएगा। चलिए चलिए छोड़ दीजिए, इसके कुछ काम का नहीं है। ये हुआ दोस्तों आपके साथ आंगनवाड़ी
एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर पोषण की बात हम ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं आपसे, पोषण योजना बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, यहाँ पर एक अपडेट और कर दूँ पोषण के बारे में आपको मैं ना, पोषण के बारे में अपडेट और सुन लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो है वो पोषण का बता दूँ यहाँ पर क्या है, जानते हैं आप लक्ष्य क्या है पोषण के, आप वैसे भी कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ये लक्ष्य आपके पोषण योजना के इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पोषण योजना के लक्ष्य बता चुका हूँ, स्टंटिंग कम करना, बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन कम करना, एनीमिया कम करना बच्चों में, महिलाओं में एनीमिया कम करना, और लो बर्थ वेट कम करना, 9% कम करना है 3% हर साल, 6% कम करना है हर साल 2%, 6% कम करना है हर साल 2%, 9% कम करना है हर साल 3%, ये कुछ टारगेट हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ सफाई कर लेता हूँ स्क्रीन की मैं आपके लिए, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लिक 1, 2, 3 क्लिक। चलिए ये हो गया इंग्लिश में, ये है हिंदी में, हिंदी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अवरुद्ध विकास से बचाना, कमी करना, सारी बातें हैं यहाँ पर, तो एनीमिया कम करना, सारी बातें शामिल होंगी इसमें, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने है, ठीक है। पोषण योजना के लक्ष्य हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। अब एक चीज़ हम सुन लीजिए, काम की बात क्या है, स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन पर क्या क्या दिख रहा है, ये पोषण योजना में आपको मैंने कहा था, पोषण योजना कीवर्ड क्या है, पोषण योजना का कीवर्ड है पोषण योजना का क्या, कन्वर्जेंस, इंटीग्रेशन, अलग अलग योजनाएं जो चल रही हैं उनको कन्वर्ज किया गया है, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। तो कौन कौन सी स्कीम कन्वर्ज की गई हैं, यह मंत्रालय बताता है हमको, विमेन चाइल्ड मंत्रालय, कि भाई हमारी पोषण योजना जो है इसमें काफ़ी सी योजनाओं को हमने मर्ज तो नहीं कहूँगा, एक साथ देने का प्लान किया है। जैसे आंगनवाड़ी सेवाएँ चल रही थी हमारे यहाँ, मातृ वंदना योजना और किशोरी योजना, ये तीन किस मंत्रालय की हैं, ये तीनों हैं महिला बाल विकास मंत्रालय की, ठीक है। इंग्लिश में दिखा दूंगा, पहले हिंदी सुन लीजिए, ये तीनों हैं महिला बाल विकास मंत्रालय की स्कीम तीनों ये, ठीक है। इन तीनों को एक साथ लाया गया है, मैं जो अनाज बांट सका उसको लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ मिनिस्ट्री की योजना थी, कौन कौन सी योजना है उसके अंतर्गत यहाँ पर चल रही है उनके द्वारा, जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम और नेशनल हेल्थ मिशन, इसको एक साथ लाया गया है। इसमें जो आप बांट रहे थे अनाज, न्यूट्रिशन बांट रहे थे, उनको लाया गया टारगेट्स को। स्वच्छ भारत मिशन जल शक्ति मंत्रालय का, कंज्यूमर मिनिस्ट्री का PDS आ गया इसके साथ में, ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा योजना आ गई इसके साथ में, और बाकी पेयजल स्वच्छता मंत्रालय, पंचायती मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय, इनकी योजना को भी एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि कन्वर्जेंस सबसे बड़ा फोकस है, कन्वर्जेंस पे हमारा दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, द कन्वर्जेंस ऑफ दिस स्कीम्स, ठीक है दोस्तों। तो महिला बाल विकास मंत्रालय की स्कीम है सारी की सारी, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम है सारी, ये आपका स्वच्छ भारत मिशन, ये PDS स्कीम, ये मनरेगा और बाकी योजनाएं आपके स्क्रीन पे आती हुई, उम्मीद कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, नाम लिख लिए हैं आपने। तो इन सब योजनाओं को किया जा रहा है दोस्तों इंटीग्रेशन, योजनाओं को किया जा रहा है एकीकरण आपके लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी मेरे ख्याल से, कोई मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने आ चुका है। ठीक है, मैं जानता हूँ दोस्त आप लिख चुके हैं, कनीस फातिमा मैं जानता हूँ आप लिख चुके हैं, लेकिन मेरा काम है, अब कन्वर्जेंस की बात आ रही है, मिनिस्ट्री की बात आ रही है, महिला बाल विकास की बात आ रही है, तो मैं जोड़ता हूँ एक बात, लास्ट टाइम देखा था हेल्थ कंटेस्ट में दिखाया था मैंने आपको, मैं कह रहा हूँ महिला विकास कंटेस्ट में, ठीक है दोस्तों। ठीक है चलिए, मैं भी जानता हूँ आपको समय बहुत कीमती है दोस्तों, बहुत कीमती समय आपका है मैं जानता हूँ, और समय को मैं ले रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय का लगभग 60% फोकस पोषण स्कीम पर है, तो पोषण योजना और UPSC ने पूछा नहीं है 1.5 सालों से, क्वेश्चन आया है 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया था, पूछा नहीं है UPSC ने आपसे, उम्मीद कर रहा हूँ पूछ सकता है आपसे, तो बहुत कुछ पूछने के लिए 18 में नहीं आया, 19 में क्वेश्चन नहीं आया, 20 में संभवतः बहुत चांस है आने के इस योजना के बारे में, तो पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने में बुराई नहीं होगी, समय मैं ख़राब नहीं करूँगा, पक्की बात है आपका दोस्त, आगे बढ़ेंगे आपके साथ। ये हुआ दोस्तों पोषण के बारे में चर्चा आपके साथ, पोषण की चर्चा हुई, ICDS की बात हुई आपके साथ दोस्तों, आगे चलते हैं, सब आगे नहीं चल पाएंगे, 12 बज गए हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ क्लास रोकते हैं अपनी दोस्त। हमें छोटा सा मैसेज मुझे देना था आपको कि कल आपकी क्लास 11:30 बजे नहीं होगी, ये कल आपकी क्लास 1:30 बजे होगी, ईयरबुक का क्लास कल से 1:30 बजे होगा, ध्यान रखिएगा 11:30 बजे मत कहिए सर क्लास नहीं हुई, क्योंकि कल 11 बजे मिलना है मुझे आपको कंट अफेयर सेशन में, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ मैसेज पहुँच गया होगा आप तक, मैसेज पहुँच गया है तो आइए जुड़िए हमारे साथ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म के पास हैं, शेयर कीजिए हमारे चैनल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को, और जुड़िए हमारे साथ दोस्तों। तो यहाँ है अपनी क्लास खत्म करते हैं, मिलेंगे आपके साथ शाम में 5 बजे, इकोनॉमी का क्लास होगा, शेयर मार्केट नंबर 4, बात करेंगे शाम में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।